हेलो एवरीवन, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए यहां पर बड़ी खबर। एग्जाम होगा या नहीं होगा, वर्तमान समय सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 27 अक्टूबर को एग्जाम होगा। हाल फिलहाल की जो स्थिति यहां पर अगर हम देखें, आयोग की जो कार्य प्रक्रिया को देखें, तो यहां पर एग्जाम के टलने की भी संभावनाएं सबसे ज्यादा दिख रही हैं। लेकिन जब तक ऑफिशियली यहां पर इसकी कोई सूचना नहीं आती है, तब तक यहां पर आपका काम है से तैयारी करते रहें। हो सकता है अगले 2-4 दिनों में ऑफिशियल इसकी सूचना आ जाए, या तो एडमिट कार्ड के बारे में सूचना मिलेगी कि आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, या तो परीक्षा टलने की यहां पर चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन एक नया जो अपडेट आया है, जिसके आधार पर यहां पर परीक्षा टलने की संभावना जो बढ़ी है, वो यहां पर अभी चर्चा का विषय बना है, जिसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, यहां पे पेपर को लेकर के एक तो परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में एक बड़ी समस्या है, दूसरा पेपर सेट जो कि लेक हो जाते हैं उसको लेकर समस्या है, पेपर कहां छपते हैं प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के समस्या है, और साथ ही साथ कितने सेट के पेपर बनाए जाएं ताकि लीक होने की संभावना कम रहे, इसको लेकर के भी समस्या है। और इन चीजों को लेकर के आयोग की जो तैयारियां चल रही हैं वो यहां पर काफी स्लो हैं। जो प्रक्रिया इनके द्वारा अपनाई जा रही है उसमें समय लग रहा है, और जिसके कारण ये परीक्षा आगामी टल सकती है, जिसके यहां पर आप न्यूज के रूप में भी देख सकते हैं। यूपीपीएससी अपने आयोग जो है उसका जो अधिनियम है उसमें यहां पर संशोधन करने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है, और यह संशोधन की प्रक्रिया जो है कैबिनेट के पास जाएगी। कैबिनेट उस प्रस्ताव को पास करता है तो आयोग यहां पे आगे बढ़ेगा, और ये इस पूरे प्रोसेस के हिसाब से अगर चलें तो कहीं ना कहीं परीक्षा को लेकर के जो यहां पे शंका जताई जा रही है वो वास्तविकता में बदल सकता है। ऑफिशियल सूचना ना आने तक यहां पर अभी स्थिति क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो अभी यहां पर देखिए चल क्या रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए 4 सेट में प्रश्न पत्र तैयार कराने की यहां पर जुगाड़ यहां पे लगाया जा रहा है कि किस तरीके से पेपर लीक ना होने पाए यूपीपीएससी के में। लेकिन इसके लिए यहां पर आपको अधिनियम में अपना संशोधन करना होगा, और संशोधन करने के लिए यहां पर उच्च स्तर पर देखा जाए तो सहमति भी बन चुकी है। लेकिन अब इस प्रस्ताव को जो है कैबिनेट के पास भेजा जाएगा, और कैबिनेट जब इसे पास करेगा तब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में होगा क्या कि आयोग की हाल की जो परीक्षाएं हैं वो यहां पर टलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होने वाली हैं। इसको लेकर के अगर हम देखें तो आयोग के पास समूह का और खा की यहां पर भर्ती होती हैं। इससे पहले हम देखें तो यहां पर परीक्षा को लेकर के आरओ का पेपर लीक हुआ था, और उसके कारण यहां पर देखा जाए तो समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को रद्द किया गया था। समय कम होने के कारण यूपीपीसीएस के एग्जाम को यहां पर आगे टाल दिया गया था। अलॉट किया गया कि अक्टूबर और दिसंबर में एग्जाम होगा। लेकिन अब इस एग्जाम को लेकर के यहां पर सरकार भर्ती परीक्षाओं को लेकर थोड़ा गंभीर है, और आयोग भी साथ साथ। अब भर्ती परीक्षाओं में किसी भी तरीके की सेंधमारी ना हो, पेपर लीक ना हो, इसलिए यहां पर फूंक फूंक के कदम रखे जा रहे हैं, और कदम यहां पर इतने ज्यादा स्लो रखे जा रहे हैं कि इसमें समय बहुत लग रहा है। अब राज्य सरकार ने भर्ती बोर्ड और चयन आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए जून में यहां पर एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया था। अब इन दिशा निर्देशों के अनुरूप हुई यहां पर पेपर की छपाई, सेंटर के अलॉटमेंट, और साथ ही साथ उससे जुड़ी कई तरीके की परीक्षा प्रक्रिया में यहां पर संशोधन किए गए। लेकिन उसके कारण यहां पे समय बहुत ज्यादा अब लग रहा है। समय इसलिए भी लग रहा है क्योंकि नियम जो है बहुत ज्यादा कड़े बनाए हैं ताकि पेपर लीक ना हो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अब इसे लागू करने में समस्या आ रही है। अब इनको इतने सेंटर ही नहीं मिल रहे हैं ताकि यहां पे पेपर लीक ना हो, ठीक है। तो भर्ती परीक्षाओं को लेकर के एक तो 3 सेट के स्थान पर 4 सेट का पेपर अब यहां पर सुझाव है कि वो यहां पर हम 4 सेट का पेपर बनाएंगे। दूसरा यहां पे जो सुझाव है कि जो निजी प्रिंटिंग प्रेस से यहां पे पेपर लीक हो रहे हैं उसकी जगह पे अब राजकीय प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की छपाई होगी, और साथ ही यह भी कहा गया है कि जो पेपर यहां पे छपेंगे उसको लेकर के यहां पर सभी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के 4 सेट में प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। लेकिन कौन सा प्रश्न पत्र यहां पर कब दिया जाएगा और किस पेपर के लिए किसे यहां पर अप्रूव किया जाएगा, यह रैंडम आधार पर तय किया जाए ताकि किसी को पता ना चले और पेपर लीक ना हो। दूसरा, एग्जाम सेंटर्स को लेकर के भी जो रूल्स यहां पे बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर 51 जिलों में शायद वो सारे सेंटर ना हो पाए। तो अब यहां पे खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है 75 जिलों में भी यहां पर आपके एडमिट कार्ड जो है वो सभी जिलों में यहां पे परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। यानी खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन यहां पर पुख्ता जो कह सकते हैं न्यूज जो है, जो ऑफिशियल जो न्यूज है, आयोग ने अभी तक यहां पर कोई भी नोटिफिकेशन इस संदर्भ में जारी नहीं किया है। इसलिए
जब तक यहाँ पे ऑफिशियल कोई यहाँ पे जानकारी नहीं आती है, आप सभी से यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप अपनी तैयारी में लगे रहें। न्यूज आएगी, पुख्ता जैसे ही न्यूज आएगी, ऑफिशियल न्यूज आएगी, उसको लेकर के हम आप सभी को यहाँ पर जरूर बताएंगे कि आपको लेकर के पेपर क्या टल रहा है या परीक्षा होने वाली। फिलहाल आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और लगातार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि यहाँ पर लगातार आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।